ये तो थी जनाब खबर एनआईए की। अब जरा आते हैं आगे भारत पाकिस्तान के हवाले से, फटाफट से आपको अपडेट करते हैं। आपको याद होगा कि कल हमने इसी प्रोग्राम में आपको बताया था कि एक और इजलास जो है वो होने जा रहा है, और अब उस इजलास के पेश नज़र एक और अहम और बड़ी दिलचस्प खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान बाज़ाब्ता तौर पर जो क्लोजिंग सेरेमनी होगी एससीओ एंटी टेरर एक्सरसाइज की तरह की होगी, उसमें पाकिस्तान शिरकत करेगा। यानी पाकिस्तान एससीओ एंटी टेरर मामले की जो नशस्त भारत के अंदर मुनक्किद होने जा रही है उसमें क्लोजिंग फंक्शन में वो बाज़ाब्ता तौर पर शरीक होंगे। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इसको होस्ट करेंगे जी। मल्टीनेशनल जेट मानसेरा एंटी टेरर 2002 जो फ्रेमवर्क है एससीओ का, उसके पस मंज़र में ये सारा इजलास जो है वो बुलाया जा रहा है। और अब पाकिस्तान को बाज़ाब्ता तौर पर दावतनामा गया था और पाकिस्तान ने अगर जो ओपनिंग सेशन में आने से माजरत जाहिर की है, ताहम अब वो क्लोजिंग सेशन जो है, क्लोजिंग सेरेमनी जो है 13 तारीख को, आज 11 है, 12 और 13 तारीख को पाकिस्तानी स्क्वाड जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर शिरकत करेगा जी उस एससीओ एंटी टेरर एक्सरसाइज के अंदर जो मानसरा के अंदर जो है वो होने जा रही है। एंटी टेरर एक्सरसाइज जो है वो इस बार जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है वो इसको होस्ट कर रहे हैं, और बाज़ाब्ता तौर पर डिप्लोमेटिक और ऑफिशियल चैनल से इस बात की तस्दीक हुई है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके तहत ये जो फंक्शन होने जा रहा है, एंटी टेरर एक्सरसाइज जो हो रही हैं उसकी क्लोजिंग सेरेमनी में अब पाकिस्तान की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो शिरकत होगी, और इसकी तस्दीक पाकिस्तानी जो मुख्तलिफ ज़राया है उनकी तरफ से भी की गई है। डिप्लोमेटिक चैनल जो पाकिस्तान के अंदर है उन्होंने भी इस बात की वजाहत कर दी है, क्योंकि वॉर अगेंस्ट टेरर में पाकिस्तान का एक नुमाया रोल है जी, और हम बिल्कुल ये चाहते हैं कि इस तरीके के कार्रवाइयाँ आगे भी बढ़ें, आपस में तालमेल हो। यही वजह है कि जो डेलीगेशन है वो इस बार आएगा, और पाकिस्तान का जो नेशनल टेरर काउंटर टेरर सेंटर है वो खैबर पख्तूनख्वा और दीगर इलाकों के वहाँ के टॉप लीडर्स जो है, मिलिट्री लीडर जो है, वो इस क्लोजिंग सेरेमनी में ज़रूर आएंगे जो एससीओ की तरफ से किया जा रहा है। और इस बार 13 तारीख को ये क्लोजिंग होगी, और ये माना जा रहा कि ये काफ़ी बड़ी पेशरफ्त होगी भारत पाकिस्तान को लेकर अगर ये सही सिमत में चलती है। फिलहाल 13 तारीख का सबको इंतज़ार रहेगा। भारत पाकिस्तान की अफवाज मशकों के बाद अब एक साथ इस आखिरी सेरेमनी में या जो इख्तामी तकरीब है उसमें सामने आ